हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग बॉयज़, क्या हाल चाल है आप सबका। एक नई वीडियो और कुछ गाड़ी के नए काम। खैर, 5 से 6-7 दिन हो गए थे, बल्कि एक हफ्ता ही कह लो, गाड़ी खड़ी हुई थी, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। और दूसरा ये कि गाड़ी को बाहर निकालो, सबसे पहले इशारे पैसे करके रोकते हैं, भाई आओ चलाओ, आपको ज़रा चलान तो करें। मसला ये है कि वो चलान करें तो फिर भी ठीक है, जितनी सख्ती हुई है वो कहते हैं भैया आए ज़रा आपका रिकॉर्ड चेक करना, और उसके बाद वो नया रिकॉर्ड बनवा देते हैं। मतलब 279, कोई भी मसला 279, गाड़ी के शीशे का ले 279, वन वे का रहे हो 279, और एग्जॉस्ट लगा 279, बाइक पे हेलमेट नहीं पहना 279। परेशान हालत में मैं ना पूरा हफ्ता 70 पे घूमता रहा, यकीन करें। खैर, एक हफ्ते बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं क्या कहती है। पार्किंग में ब्रेक, थोड़ा सा फ्यूल प्रेशर बनने दें। बस स्टार्ट, क्या बात है, और पेट्रोल बिल्कुल ही खत्म। बस अगर आपको प्रोजेक्ट्स का शौक है तो कुछ इस तरह से एक्सपेक्ट करें कि आपके घर में कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। ये देखें, अब आधी बाइक है आधी है ही नहीं, इसमें से भी अभी काफ़ी चीज़ें कल उतर जाएंगी, ये बिल्कुल ही नहीं रहेगी। देखें तो बॉयज़, हम निकले हैं 20 पे, थोड़ा सा ट्रैश है लेने। दूसरी बात ये कि काफ़ी देर हो गई थी, इसको भी नहीं चलाया था। बाकी दूसरी गाड़ी का काम है, सबसे पहले मेरे ख्याल से तो वो करवाएं, अपनी सिविक रिबर्थ होके करते हैं, क्योंकि वो घर वालों की है और घर वाले कहते हैं कि सबसे पहले वो वाला काम करवाएं, उसके बाद अपनी गाड़ी को सारा दिन लगे रहना। उसके छोटे मोटे काम है वो सारे कंप्लीट करवा के फिर हम चलेंगे अपने गाड़ी की तरफ। तो बस अब निकलें दूसरी गाड़ी लेके, उसके जो भी काम है वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। ये भाई खानदानी किस्म की मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं इस पर, सिर्फ ये वाली ग्रिल ब्लैक। ये आ गया हमारा स्पॉइलर, और इसकी जो है लाइटें स्मोक होनी है, बड़ी मुश्किल से बनाया है इसको, और इसकी बैक लाइटें स्मोक होनी है। खैर देखते हैं अब ये बॉडी किट के लिए मानता है या नहीं। बच्चे भाई जान फुल जोरों शोर से लगे हुए हैं पिछली, ये थोड़ी थोड़ी स्मोक करने। देखें अपना काम कैसा बनता है, एंड में फाइनल लुक आपको बाद में दिलवा के गाड़ी फिर चेक करवाएंगे। ये बिफोर और ये चेक करें आफ्टर। ज़मीन आसमान का फर्क लग गया सिर्फ एक लाइट स्मोक करवाने से। इंटीरियर की फाइनल लुक चेक करें ज़रा आप, इसको हमने रैप करवा लिया है, उसके साथ हैंड्रिक रैप हो गई है, कार्बन फाइबर 5D, और साथ ही गियर नॉब। ये तीन चीज़ें हमने इंटीरियर में चेंज करवाई हैं, और यकीन करेंगे मैंने इससे लड़के करवाई हैं। ये भाई ऐसे हैं, कहते हैं कि मेरी गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन रहनी चाहिए, ये तो बिल्कुल ब्लैक करवा रहा था, उसको कहा ये अच्छा लगता है, और ये देखिए ये वाकई अच्छा लग रहा है, इंटीरियर में बिल्कुल लुक चेंज हो गई। 2 ब्लैक, 1 लेदर, 1 रेड। अब आपको दिखाते हैं व्हील मॉडिफिकेशन, ये हमने इन भाई से यहाँ से आ गई है, स्प्रे पेंट ले लिया और इस जिन पे आएंगे पिछड़े पेंट ले के। ये भाई पागल हो गए, पागल हो। ये बच्चा जिंदगी में पहली दफा गाड़ी को जैक लगाने लगा, ये देखो जैक का लगा रहा हूँ। बस बड़ी मुश्किलों के बाद भाई ने बिल्कुल ही एंड पे जैक लगा के व्हील तो उठा लिया। खैर अब इसका काम तो हमारा चल ही जाएगा, मसला ये हमें एक एक करके करना पड़ेगा, और तो कोई रोला नहीं है। ये हमारे पेंट पड़े हुए हैं, और बाकी देखें अब आपको साथ साथ सारा कुछ चेक करवाऊंगा, किस तरह इसको सारा एक दफ़ा वॉश करना है व्हील को अच्छे तरीके से, उसके बाद इसको पेंट करना है। और इनके साथ भी हम एक वैरायटी लगाने लगे, ये जो ये पड़े हुए हैं ना इनके साथ एक वैरायटी लगाने लगे, चेक करते हैं वैरायटी अच्छी लगती है या बुरी लगती है। इसने वैसे घर में कभी ऐसे काम किए होते ना तो इसके घर वाले आज इससे खुश होते।
अच्छा यार ये देखें, ये जो इस पे सारी डस्ट आई हुई है ना, वो सारी हमने ये उतारने के लिए सबसे पहले इस पे ये स्प्रे की है, डस्ट रिमूवल। ये स्प्रे जब अपना काम अच्छी तरह कर देगा फिर इसको अच्छी तरह ब्रश से धो के फिर इसके ऊपर पेंट लगाएंगे ताकि पेंट अच्छी तरह अपने संबंध बना ले इसके साथ। तो वादा तो रोड से खुद मिल जाएगा उस्ताद जी, हमने ये वादी ही कोशिश कर ली है इसको ये ब्रश से रगड़ रगड़ के उतारने की, लेकिन ये सारा कुछ ना ऊपर मिट्टी के साथ ऑयल वगैरह सारा कुछ लगा हुआ और ये डिग्रीजर के अलावा ना नहीं उतरना। अब हम वो लेके आएंगे, वो सारी ग्रीस जो है, सारा जो ऑयल लुब्रिकेंट्स है उसके ऊपर से उतरेंगे, फिर जाके पेंट होगा। उसके अलावा तो ये पेंट वाले भाई को पेंट करने का फायदा ही नहीं है ना। ये मेहनतें हो रही हैं। तो भाई साहब 2 से 3 दुकानों से पता करने के बावजूद हमें वो डिग्रीजर नहीं मिला। खैर एक निंजा टेक्निक लगाने लगे हैं, जिसको स्प्रेट लेके आया हूँ। मैंने कहा अगर वो बर्तनों से ग्रीस उतार देते हैं या वो जो होता है वो सारा ऑयल सा उतार देता तो इससे क्यों नहीं उतारता। अब इससे हम एक दफ़ा ना रब करके चेक करेंगे अपना लेमन मैक्स लगा के, लेमन मैक्स बाहर यहाँ पे अपना जादू चलाता है या नहीं। वाली वीडियो स्पेशल आंटी के लिए है, इसकी अम्मा के लिए। घर इतनी मेहनत करता है ना, इसको वैसे ही उन्होंने सर पे उठा के रखना था, आंखों पे ये देख। कैसे तासुरात है आपको अपनी गाड़ी पे ये करते हुए? यार कभी आप काम भी कर लिया करो, देखो पहले मैं, इससे पहले मैं करता रहूं, अब आप कर लोगे तो क्या मसला हो जाएगा आपको? जी जी आपने लोड़ा किया। तकरीबन 1-1.5 घंटे मेहनत के बाद ये चेक करें जरा, ये तो मुझे ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही दोबारा लगाने लगाऊं, इतने ये प्यारे लग रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले अच्छी तरह इस तरह करके आपने सबसे पहला कोट बिल्कुल ऐसे ना हल्का सा मारना ऐसे, तो बस लगे कि कोई चीज़ लगी हुई है। लेकिन इस तरह से लगे भी तो खैर, बिल्कुल एक हल्का सा कोट मारना अच्छा। तो बॉयज़ आपने पहले ये इस तरह का एक कोट करके ना, उसके बाद आपने बस कर देना, आपने वेट करना कि ये वाला कोट सूख जाए, उसके बाद फिर आपने एक सेकंड कोट करना। हाँ तो भाई इसके बाद आपने थोड़ा सा ना वैशी तरीके से करना, अपना ज़रा दिल खोल के आपने तसल्ली से पेंट करना है इसको। एक एक कोना बड़े प्यार से देख देख के आपने करना। चले मैं एक दफ़ा इसको मुकम्मल कर लूँ फिर आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो भाई दूसरा कोट अभी सूखा तो नहीं, लेकिन ये आप रिजल्ट चेक कर लें एक दफ़ा। हमने टायर पे इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि इसकी जो लिप्स वगैरह थी वो सारी हमने प्रॉपर करनी थी। इसके बाद करेंगे ये कि पेट्रोल से गीला कपड़ा करके वो टायर पे मारेंगे और टायर अपना बिल्कुल जैसे होना चाहिए वैसे हो जाएगा। तो बॉयज इससे पहले कि ज़्यादा अंधेरा हो मैं आपको दिखा दूं कि ये था बिफोर, ठीक है। ये साइड आप देख लेंगे अभी रह गई है अभी भी हमारी, और मैं आपको घूम के दूसरी साइड दिखाता हूँ, और ये है हमारा आफ्टर। ये चेक करें, अभी तो नया नया पेंट है, और मैं आपको कहता हूँ कि क्या लुक निकल रही है इसके साथ गाड़ी की। फुल टाइम बहुत प्यारी लुक निकल रही है इसके साथ गाड़ी की, ये चेक करें। और पेंट की क्वालिटी कोई कुछ कह के तो दिखाए, हमने एक छोटी सी नट वाली वैरायटी लगाई है इसके साथ। अब खैर देखें वो अपने सारी चीज़ों के साथ बेहतर लगती है या नहीं। अभी जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो आएंगे, ब्रेक कैलिपर्स तो नहीं, उनके सिर्फ कवर आएंगे दूसरे वाले, और फिर देखेंगे उनका अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा।